चलो ठीक है। आज हम लोग करेंगे एक न्यू टॉपिक जो अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है, मतलब 2015-16 तक एसेट का एज सच ही कोई पार्ट नहीं था। इवन दो इट इज समथिंग जो स्कूल लेवल पे सब करते हैं, बट रिसेंटली इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आने लग गए एसेट में। मतलब लास्ट अगर आप 5-6 टर्म्स का पेपर्स देखोगे तो अराउंड 4-5 मार्क्स मिनिमम सिर्फ इस टॉपिक से आता है मैथ्स में, विच इज रिलेशंस एंड फंक्शंस। लास्ट क्लास कॉपी इतना जरूरी नहीं था क्योंकि कुछ ज्यादा सॉल्विंग कुछ ज्यादा नोट्स कुछ नहीं था, बट आज के क्लास में आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि प्लीज अच्छे से व्हाट एवर आई एम राइटिंग व्हाट एवर आई एम सेइंग प्लीज उसको ध्यान से सुनना भी एंड लिखना भी, बिकॉज वाइल्ड रिवाइजिंग बहुत सारा छोटा छोटा पॉइंटर्स लिखाऊंगी मैं जो आपको बहुत काम आएगा उस टाइम। ओके भावे अपना कैमरा प्लीज ऑन कर लो। ठीक है चलो अब रिलेशन क्या होता है, दोनों जन में से कोई भी एक बोलो, जस्ट जनरल में इंग्लिश में अगर कोई रिलेशन बोलता है कि ये कुछ रिलेशन है तो क्या आता है दिमाग में? क्या मेरे और तुम लोग दोनों के बीच में कोई रिलेशन है? मैम लाइक हाँ बोलो। मैम मैथमेटिकली याद आ रहा है ऐसे. नहीं मेरा क्वेश्चन आंसर करो, इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन यू एंड मी? हाँ जी मैम, टीचर टीचर स्टूडेंट का. स्टूडेंट यस ठीक मैम. है, तो ये एक रिलेशन हुआ। इज देयर अ रिलेशन बिटवीन यू एंड योर पेरेंट्स? यस मैम. है ना, तो ये सब सब रिलेशंस है। तो क्या होता है रिलेशंस? रिलेशंस इज नथिंग बट जब हम लोग कोई भी टू सेट्स को या टू कोई भी क्वांटिटीज एंटिटीज कुछ भी हो, मैथ्स में ऑब्वियसली हम लोग सेट्स के साथ डील करेंगे, तो हम लोग जब वो टू के बीच में कोई एक लिंक बिठाते हैं तो वो रिलेशन बोलते हैं उसको। अब वो लिंक कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी से एक्स और वाई को हम लोग रिलेट कर रहे हैं, वेयर एक्स इज इक्वल टू वाई क्यूब, या हम लोग बोल सकते हैं वाई इज इक्वल टू 3x+4। तो हम लोग एक्स और वाई दो ठो वेरिएबल्स हैं हम लोग के पास जो, एंड एक्स और वाई दोनों अलग अलग वैल्यूज ले सकते हैं, बट वी आर लिंकिंग एक्स एंड वाई टुगेदर विद द मीडियम ऑफ दिस रिलेशन, राइट? तो ये हो गया रिलेशन। अब हम लोग एक्सप्रेस कैसे करते हैं? ऑब्वियसली अब मैथ्स है, क्वेश्चन में तो आपको ऐसे मदर फादर टीचर स्टूडेंट ऐसे बोलेगा नहीं, दे विल यूज सिम्बल्स। लास्ट क्लास हम लोग बहुत सारे सिम्बल्स यूज किए थे, तो वो सिम्बल्स को यूज करके उन लोग बोलेंगे। तो क्या होगा, सपोज यहाँ पे हम लोग बहुत बार आर यूज करेंगे। लास्ट टाइम हम लोग डिस्कस किए थे कि आर कैन बी रियल नंबर्स या रैशनल नंबर्स, बट आज के क्लास में आर कैन ऑल्सो बी रिलेशन। ठीक है, तो वो हम लोग को समझना होगा डिपेंडिंग ऑन वेयर द आर इज बीइंग यूज्ड कि वो रिलेशन सिग्निफाई सिंबलाइज करता है, कि वो रैशनल नंबर करता है, कि वो रियल नंबर करता है। ठीक है, तो सी यहाँ पे आर इज द रिलेशन सच दैट डॉट डॉट, मतलब सच दैट ए से बी, मतलब कि अगर आज मैं बोलूं कि आई एम द टीचर एंड यू बोथ आर माई स्टूडेंट्स, राइट? तो टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में हम लोग लिंक कर रहे हैं, ठीक है, एंड आर इज अ रिलेशन सच दैट टीचर टू स्टूडेंट्स। ओके, तो ऐसे हम लोग दिखते हैं रिलेशंस को। तो
क्वेश्चन में भी ऐसे आएगा. फॉर एग्जाम्पल बाद में हम लोग एक सम करेंगे, आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स एंड वाई बिलोंग टू नेचुरल नंबर्स एंड वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस थ्री कॉमा जीरो लेस देन एक्स लेस देन फाइव. अब देखो क्वेश्चन में आप लोगों को ऐसे दे देगा, कोई भी अच्छा खासा बच्चा इस चीज को देख के डर जाएगा, क्योंकि इसमें इतना सारा सिंबल्स है एंड इतना सारा कॉमाज है कि यू विल फील इंटिमिडेटेड जस्ट बाय लुकिंग एट इट. बट इसमें कुछ है नहीं, लिटरली देयर इज नथिंग. इसमें इन लोग उल्टा हम लोग को हेल्प कर रहे हैं बाय गिविंग सो मेनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन. उन लोग सबको और छोटा कर रहे हैं और कंसाइज कर दे रहे हैं, क्योंकि इसका मतलब क्या है कि एक्स और वाई है एंड एक्स और वाई दोनों एन का मतलब क्या होता है, जल्दी से बोल दो. नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स कहाँ से कहाँ तक होते हैं? वन ऑनवर्ड्स. 1.5 नेचुरल नंबर होता है? नो मैम. नहीं, क्योंकि खाली इंटीजर नंबर्स, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर्स, राइट? तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि x और y आर बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स. तो मतलब कि x और y दोनों सिर्फ 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक का वैल्यू ले सकते हैं. और क्या इन लोग लिंकिंग यूज कर रहे हैं? दे आर लिंकिंग x एंड y यूजिंग दिस इक्वेशन, राइट? कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री. एंड इन लोग x को भी, अब x का अगर हम लोग ये सपोज ये वाला पार्ट नहीं लिखते तो x का वैल्यू 1 से लेके इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता था, राइट? मतलब वी कैन पुट x की जगह में वी कैन पुट 1 ऑल्सो, वी कैन पुट 10 ऑल्सो, वी कैन पुट 900 ऑल्सो, क्योंकि हम लोग को x को कहीं पे भी लिमिट नहीं किए इन लोग. एंड अगर x का इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज होता तो y का भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज हो जाता, राइट? यस मैम. तो लेकिन यहाँ पे इन लोग क्या किए हैं, मैं बोला ना जितना इन लोग ज्यादा इंफॉर्मेशन देंगे उतना ज्यादा हम लोग के लिए बेटर है, बिकॉज उससे हम लोग का सम और कंसाइज हो रहा है. क्योंकि यहाँ पे बाय गिविंग दिस लिमिट इन लोग एक्स का वैल्यूज को क्या कर दिए, एक्स कैन ओनली टेक 1, 2, 3, 4, 0 और 5 ले सकते हैं? नो मैम. क्यों मैम? इक्वल्स टू नहीं है ना. वेरी गुड. तो इसीलिए 0 नहीं होगा और 5 भी नहीं होगा, ठीक है? तो x के लिए सिर्फ 4 वैल्यूज है, तो नेचुरली y के लिए भी सिर्फ 4 वैल्यूज ही बचेगा, क्योंकि x का हर एक वैल्यू के लिए y का एक वैल्यू निकल पाएगा यहाँ पे इस इक्वेशन में. तो इसीलिए हम लोग इजीली इस चीज को लिख सकते हैं, राइट? अब देखो ये सब हम लोग बाद में करेंगे पूरा, उसके पहले हम लोग थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट्स करेंगे. सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट. किसी को पता है कि क्या होता है ये चीज? एग्जाम्पल दे दी मैं. एक सेट है ए, और एक सेट है बी. एनी आइडिया इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा? कभी सुना है कुछ कार्टेशियन प्रोडक्ट? स्कूल में हल्का हल्का कुछ याद हो किया हो, समथिंग लाइक दैट, लाइक एन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ द टू सेट्स गिवन. ठीक है, प्रियांशु ने यूज किया वर्ड ऑर्डर्ड पेयर्स. अब ऑर्डर्ड पेयर्स क्या होते हैं? पेयर से हम लोग को ये समझ में आ रहा है कि टू नंबर्स होगा, है ना? अब टू नंबर क्या होएगा? एक नंबर हम लोग पहले ए से लेंगे और फिर एक नंबर हम लोग बी से लेंगे. और ऑर्डर क्या होगा कि पहले अगर हम लोग 1 ले रहे हैं तो हम लोग 1 के साथ 6 ले सकते हैं, 1 के साथ 7 ले सकते हैं, 1 के साथ 8 ले सकते हैं,
नेक्स्ट हम लोग टू के साथ भी ये तीनों ले सकते हैं, सिमिलरली थ्री फोर फाइव के साथ भी. तो कार्टेशियन प्रोडक्ट इज नथिंग बट ए इंटू बी. और हम लोग इसको लिखते कैसे हैं, इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स. फर्स्ट ब्रैकेट में 1.6, फिर 1.7. बताओ इसके बाद क्या होएगा. क्या होगा इसके बाद? 2.6, 3.2, 2.7, 2.8. Then again this series with 3. ठीक है, तो डॉट 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 5 का बता दो खाली. 5.6, 5.7, 5.8. एक सेकंड रुकना. हाँ मेरा आवाज आ रहा है क्लियरली? यस मैम. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे 6.1, 6.2? क्या ये सब जो पेयर्स है ये भी तो बी और ए का पेयर्स ही है? मतलब हम लोग बी से एक नंबर ले रहे हैं और ए से एक नंबर ले रहे हैं, बट हम लोग ऐसे क्यों नहीं लिखे? व्हाई डिड वी स्टॉप इन दीज ओनली? मैम, as it was mentioned, like it's A into B, तो वो ordered. तो ये जो है, ये क्या है? वो B into A हो जाएगा ना एक तरह से. Very good. ठीक है? भाव्या समझ में आ रहा है तुमको? Yes ma'am. कि हम लोग क्यों इसको और इसको अलग अलग लिखे? Why this is B into A and this is A into B? क्योंकि हमेशा जो पहला होगा, पहला सेट जो होगा हर ऑर्डर्ड पेयर में, एवरी सिंगल वन ऑफ दीज इज एन ऑर्डर्ड पेयर, तो हर पेयर में जो फर्स्ट नंबर होगा या फर्स्ट डिजिट या फर्स्ट एलिमेंट होगा दैट शुड बी फ्रॉम दिस सेट, एंड जो सेकंड एलिमेंट होगा दैट शुड बी फ्रॉम दिस सेट. ठीक है, तो ये हुआ ऑर्डर्ड पेयर्स. अब नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स कितना होगा, एनी आइडिया? सपोज लेट्स से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज पी एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज क्यू. तो मतलब कि यहाँ पे क्या था, एन ऑफ ए वॉज फाइव एंड बी थ्री. तो अब देखो क्या हुआ, हम लोग पहले ए का एक लिए और उसके साथ थ्री पेयर्स बनाए, राइट? फिर हम लोग एक और लिए और थ्री और पेयर्स बनाए. सिमिलरली हम लोग फाइव टाइम्स ये प्रोसेस को रिपीट किए, है ना? फाइव टाइम्स वी रिपीटेड दिस प्रोसेस. तो फाइव इंटू थ्री, हर नंबर के लिए फॉर वन वी हैड थ्री पेयर्स, फॉर टू वी हैड थ्री पेयर्स, फॉर थ्री अगेन वी हैड थ्री पेयर्स. तो टोटल में हम लोग के पास 15 पेयर्स आया, राइट? यस मैम. तो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इज पी क्यू. ओके, ये याद रखना, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इज पी इंटू क्यू, वेयर पी इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए एंड क्यू इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी. ठीक है, ये समझ में आया ये पूरा चीज? अब देखो यहाँ पे
जब हम लोग ये ऑर्डर्ड पेयर किए, डिड वी प्लेस एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन इट? डिड वी से, अब यहाँ पे वन और सिक्स के बीच में से फाइव का डिफरेंस है, वन और सेवन के बीच में सिक्स का डिफरेंस है, वन और एट के बीच में सेवन का डिफरेंस है, एंड मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यू कैन जस्टिफाई वाई, और कोई भी ऐसा लिंक नहीं है एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि सारा जो फर्स्ट डिजिट्स है या फर्स्ट एलिमेंट्स है वो ए से है और जो सेकेंड है वो बी से है. अपार्ट फ्रॉम दैट देर इज नो मैथमेटिकल लिंकेज बिटवीन द टू और एनी लॉजिकल लिंकेज बिटवीन द टू. तो देर इज नो रिलेशन एज सच बिटवीन दीज, राइट? अगर सपोज हम लोग बोलते हैं, एक और एग्जाम्पल लो, से ए इज इक्वल टू वन टू थ्री, एंड ये क्वेश्चन है तुम लोग को सॉल्व करना है, लिख कॉपी करो मेरे साथ. बी इज वन एट एंड 27, ठीक है? और हम लोग इसका सबसे पहले तो मेरे को तुम लोग बताओ पार्टीशन प्रोडक्ट क्या होगा इसका. आई वॉन्ट टू नो कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितना पेयर्स होगा पहले, और कार्टेशियन प्रोडक्ट का थोड़ा सा मेरे को मतलब सीरीज जस्ट शो मी के कैसा दिखेगा कार्टेशियन प्रोडक्ट. मैम नंबर ऑफ पेयर्स लाइक 9 हो जाएंगे एंड और कार्टेशियन प्रोडक्ट, हाँ तो रिजल्टेंट कार्टेशियन प्रोडक्ट विल बी लाइक 11 18 127 एंड द सेम पैटर्न विद 2 एंड 3. भावे तुमको लगता है कि प्रियांशु जो बोल रहा करेक्ट है? यस मैम. ठीक है, तो नंबर ऑफ पेयर्स इज 9. कैसे किया? 3 into 3 है ना, एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट विल लुक समथिंग लाइक 1 1 1 8. तुम लोग कॉपी में अपना पूरा लिखो कार्टेशियन प्रोडक्ट, सारा 9 पेयर्स चाहिए क्योंकि आगे का सम करने के लिए वी विल नीड टू हैव ऑल विथ अस. ठीक है, ये मेरा कार्टेशियन प्रोडक्ट. अब एक न्यू थिंग, नाउ आई एम डिफाइनिंग अ रिलेशन बिटवीन ए एंड बी. आई एम सेइंग कि जो बी है, बी के एलिमेंट्स को आई एम रिप्रेजेंटिंग विथ स्मॉल बी, एंड ए का जो एलिमेंट्स है आई एम रिप्रेजेंटिंग विथ स्मॉल ए. तो विच मीन्स ए कैन टेक द वैल्यूज 1, 2, and 3 एंड बी कैन टेक द वैल्यूज 1, 8, and 27. ठीक है, एंड आई एम राइटिंग अ रिलेशन वेयर बी इज इक्वल टू ए क्यूब. ठीक है, तो अब यहाँ पे तो हम लोग जितना एलिमेंट्स है ए का, जितना एलिमेंट्स है बी का, सबको कंसिडर करके हम लोग ये पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लिए. बट आफ्टर डिफाइनिंग दिस रिलेशन बिटवीन द टू, डू ऑल दीज पेयर्स होल्ड ट्रू? मतलब अगर हम लोग सपोज ए कैन टेक द वैल्यू 1, तो व्हेन ए इज इक्वल टू 1 बी क्या होगा? B is also 1. ठीक है. Can B take any other value when A is 1? क्या B 8 हो सकता है या B 27 हो सकता है? जब ये जो रिलेशन है ये तो 1 1 दे दिया हम लोग को, राइट? क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट हमेशा ये है, दूसरा वाला B है, इसमें भी यहाँ A है, ये B है, तो हम लोग के पास ये 1 1 आ गया. क्या ये वाला और ये वाला हो सकता है आफ्टर गिविंग दिस रिस्ट्रिक्शन
या आफ्टर एस्टैब्लिशिंग दिस रिलेशन, ये दोनों जो पेयर्स है क्या ये हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं अपने आंसर में? नो मैम. नहीं, क्यों? कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही. हाँ, कि बी इज इक्वल टू ए क्यूब में बी कैन ओनली टेक द वैल्यू 1 व्हेन ए इज 1. इट कैन नेवर बी 8, इट कैन नेवर बी 27. सो नाउ यू टेल मी कि हम लोग का सोल्यूशन सेट क्या होगा. पहला वाला तो हम लोग निकाल लिए 1 1, राइट? और क्या होगा हम लोग के सोल्यूशन सेट में? अच्छा, प्रियांशु तुमको क्या लगता है क्या होगा? और कुछ होगा या इनमें से दोनों में से और नहीं होगा कुछ? मैम वही दोनों होगा. क्यों, और कुछ क्यों नहीं होगा? आर यू श्योर? हाँ मैम, क्योंकि ए कैन टेक वैल्यूज ऑफ 1, 2 एंड 3 एंड उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो बी के वैल्यूज होंगे वो क्यूब के होंगे. ठीक है, तो ये हम लोग का सोल्यूशन सेट निकल गया. तो अभी तक हम लोग खाली ये कर रहे थे, बट एज सून एज वी एस्टैब्लिश द रिलेशन, हम लोग का जो सोल्यूशन सेट है विच इज ऑल्सो कॉल्ड द रिलेशन वाला सेट, हम लोग का कार्टेशियन प्रोडक्ट में से सिर्फ हम लोग कुछ टर्म्स निकाल के लिख पाए इसमें. तो कैन वी से कि जो रिलेशन का सेट होता है विच इज द सोल्यूशन सेट, इट इज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट. सबसेट मतलब क्या होता है? इफ दिस एंटायर थिंग इज अ सेट, इसका एक पार्ट मतलब सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट फॉर्म अनदर सेट, दैट इज कॉल्ड द सबसेट, राइट? तो जो हम लोग का सोल्यूशन सेट है इट इज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट. ठीक है, यस मैम. तो ये समझ में आया, ये हो गया हम लोग का आंसर. हम लोग को यही निकालना था. अब इतना देर से तो हम लोग लिख लिख के कर रहे थे, अब इसको हम लोग डायग्रामेटिकली देखते हैं. डायग्रामेटिकली देयर इज समथिंग कॉल्ड मैपिंग. ठीक है, कंटिन्यूइंग विद द सेम एग्जांपल, ऐसे हम लोग मैप करते हैं. एवरी सेट को वी रिप्रेजेंटेड इन ऐसा ओवल. ठीक है, दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट बी. तो ए के अंदर क्या क्या है? 1, 2, 3 है. बी के अंदर क्या क्या है? 1, 8 एंड 27, राइट? और कोई एलिमेंट है ए में या बी में? नो मैम. तो अब जब हम लोग ये रिलेशन निकाले, जो सोल्यूशन सेट हम लोग निकाले, व्हाट डिड वी डू? हम लोग ए का वैल्यू लिए 1 एंड वी मैच्ड इट या मैप्ड इट टू कॉरेस्पॉन्डिंगली टू बी का 1. यहाँ पे ऊपर में लिख देंगे कि रिलेशन इज डिफाइंड ए टू बी. ठीक है, वेयर b इज इक्वल टू ए क्यूब. 2 को हम लोग 8 के साथ मैच किए एंड 3 को हम लोग 27 के साथ मैच किए, राइट? समझ में आया ये डायग्राम का मतलब? बोलो. यस मैम. तो क्या बोलते हैं हम लोग, कैन वी से कि जो बी में 1 है, 8 है एंड 27 है, इन सब को वी कॉल द इमेज, एंड ए में जो ये 1, 2 एंड 3 है दे आर माय प्री इमेजेस. ये टर्म याद रखना, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में दे लास्ट क्यू कि व्हाट इज द प्री इमेज ऑफ दिस नंबर, इन लोग पूरा सेट्स दे देंगे
they'll give you both the sets. They will give you the relation जो mathematical function या logical function है जो इन दोनों को relate कर रहा है equation, and then they will give you the image and they'll say, say suppose यहाँ पे I could have asked you what is the pre-image of 27. तो हम लोग को क्या करना होगा, हम लोग को ऑब्वियसली अगर प्री इमेज पूछ रहे हैं, प्री इमेज विल ऑलवेज लाई इन द फर्स्ट सेट एंड द इमेज विल ऑलवेज लाई इन द सेकंड सेट, बिकॉज जब ऐसे लिखते हैं तो वी आर ऑलवेज मैपिंग फर्स्ट सेट टू सेकंड सेट. तो हम लोग को मतलब कि 27 सेकंड सेट में खोजना होगा, ये रहा 27, देन वी विल सी कि 27 का प्री इमेज मतलब 27 इस सेट में है वो फर्स्ट सेट में कौन से एलिमेंट से लिंक हो रहा है, विच इज दैट एलिमेंट 3. तो द प्री इमेज ऑफ 27 इज 3. समझ में आया कि इमेज और प्री इमेज क्या होते हैं? Yes, ma'am. अब थोड़ा सा मेरे को ओरली आंसर्स दो. Now you tell me, सबसे पहले मेरे को बताओ what is the pre-image of B? भाव्या तुमको भी लगता है 4 और 8 दोनों होगा? No, ma'am. क्यों? Because ma'am relation में ऐसा नहीं होता, function तो एक ही होगा ना, मतलब pre image तो एक ही होनी चाहिए. नहीं देखो हम लोग यहाँ पे सिर्फ relations का बात कर रहे हैं. अभी तुम जो बोली that is true for functions. Relation में there is no limit कि मैपिंग कैसे होगा, कि कितना एरोज मतलब सेट ए से कितना एरोज निकल सकता है हर एलिमेंट से, क्योंकि फंक्शन में हम लोग थोड़ा देर में करेंगे अभी फंक्शंस भी, वो कंडीशन जिसका तुम बात कर रही हो कि एवरी इमेज कैन हैव ओनली वन प्री इमेज, वो चीज़ फंक्शंस में होते हैं. ठीक है, यहाँ पे हम लोग अभी रिलेशंस ही कर रहे हैं, तो इसीलिए प्रियांशु इज राइट, वो 4 और 8 4 और 8 दोनों होगा प्री इमेज ऑफ बी. ठीक है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. यू सी इतना छोटा छोटा चीज है एग्जाम में, व्हेन यू विल बी सो नर्वस यू वोंट इवन रियलाइज कि इन लोग रिलेशन पूछ रहे हैं, एंड यू विल जस्ट थिंक कि फंक्शन है और तुम लिख के आ जाओगी कि नहीं हो सकता है 4 और 8 दोनों. तो इसीलिए वी हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल रीडिंग ऑल्सो एंड व्हाइल अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो. अच्छा मेरे को बोलो कि व्हाट इज द इमेज ऑफ 5? सी प्रियांशु मैम सी समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है ये चीज? लास्ट वन इमेज ऑफ ए बी.
एंड बी. गुड. ठीक है, तो हम लोग का इमेज और प्री इमेज का कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर. अब नेक्स्ट, लेट्स डू फंक्शंस. अब भाव्या सिंस हम लोग को एक चीज ऑलरेडी बोल दी है, भाव्या तुम ये हम लोग को बोल सकती हो कि अदर कंडीशन क्या होते हैं फंक्शंस के लिए. आई हेल्प यू. नॉट ऑल relations are functions, but all functions are always relations. मतलब कि functions is nothing but a subset of relations, which means obviously हर अगर हम लोग के पास एक relation है उस पर हम लोग को और ज़्यादा conditions impose करने होंगे to get functions, right? जैसे अभी भाव्या ने बोला था ऊपर वाले एग्जांपल में कि बी के लिए दो ठो हम लोग के पास प्री इमेज नहीं हो सकते, ये एक कंडीशन है. क्या है कंडीशन? वन, यूनिक रिलेशन. एंड कंडीशन टू इज आल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट कि एवरी एलिमेंट of A has an image. ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? एक सेकेंड को. Every element of A has an image in B. अब एक चीज तुम लोग प्लीज याद रखना, यहाँ पे फॉर सिंप्लिसिटी वी आर यूजिंग ए एंड बी एवरीवेयर, लेकिन कुछ भी हो सकता है. X टू Y भी हो सकता है, Z टू A भी हो सकता है, इट कैन बी एनी थिंग. आर टू आर सबसे कॉमन, वेर आर इज रियल नंबर्स. कि फर्स्ट वाला जो सेट है वो भी रियल नंबर्स का सेट है, सेकेंड वाला भी रियल नंबर्स का सेट है. ठीक है, जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी वी यूज ए एंड बी. ओके, तो ये मत सोचना कि अगर ए और बी नहीं है तो वो रिलेशन फंक्शन हो ही नहीं सकते. कुछ भी हो सकता है, ए के जगह कोई भी लेटर या कोई भी सेट यूज हो सकता है, बी की जगह कोई भी लेटर कोई भी सेट यूज हो सकता है. तो फंक्शंस के लिए हम लोग को टू कंडीशन सेटिस्फाई करना होगा. अब देखो एग्जाम्पल लो, सबसे कॉमन एग्जाम्पल है ये है से ये है चाइल्ड और ये है मदर. क्या एक चाइल्ड की टू मदर्स हो सकती है? हाँ नो मैम. लेकिन क्या एक मदर के दो चाइल्ड हो सकते हैं? यस मैम. दो चिल्ड्रन मतलब. एंड Can a mother be without a child also? Say a woman without a child. Yes, ma'am. हो सकते हैं. तो यहाँ पे हम लोग का क्या है, हम लोग का जितना भी images आएगा वो यहाँ आएगा और जितना भी प्री images है वो इसमें से आएगा. Because we are defining the relation from child टू मदर या चाइल्ड ऑन मदर, दोनों वेसेस को बोल सकते हैं. तो सपोज अगर हम लोग ऐसे करें, आ,
अब ये एक तो रिलेशन है हमें पता है, क्योंकि रिलेशन में तो कोई भी कंडीशन होता नहीं है, तो कुछ भी हम लोग कैसे भी मैप कर सकते हैं, इट विल एंड अप एज अ रिलेशन. बट आर टास्क हियर इज टू सी कि इज दिस रिलेशन अ फंक्शन ऑल्सो. तो क्या होगा, सबसे पहले हम लोग ये कंडीशन कंसिडर करते हैं, एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज एन इमेज इन बी. इज इट ट्रू, एवरी एलिमेंट ऑफ ए क्या होगा, ए बी सी डी. तो ए का बी में इमेज है, बी का है, सी का है और डी का भी है, राइट तो ये कंडीशन हम लोग का सेटिस्फाई हो गया. नेक्स्ट क्या है कि जो भी रिलेशन है इट शुड बी अ यूनिक रिलेशन, विच मीन्स कि ए से सिर्फ एक ही एरो निकल सकते हैं, ए का सिर्फ एक ही इमेज हो सकते हैं, देयर कैन नॉट बी टू इमेजेस, या फिर टू और मोर. एक ही इमेज हो सकता है, इनफैक्ट जीरो इमेजेस हो सकते हैं क्या? बोलो, जीरो इमेजेस हो सकते हैं? अगर जीरो इमेज होगा तो इसका मतलब क्या है कि ऐसे तो कोई एरो ही नहीं निकलेगा. अगर सपोज हम लोग बोले कि ए का जीरो इमेजेस है, तो दिस मींस कि ए से कोई एरो निकलेगा ही नहीं. लेकिन अगर ऐसा होगा तब तो हम लोग का सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि ए का जो एक एलिमेंट, जो फर्स्ट सेट का एक एलिमेंट है, वो तो ऐसे ही रह जाएगा विदाउट एनी इमेज, तो इसलिए जीरो नहीं हो सकता, राइट? यस मैम. तो जीरो वन इमेज ही हो सकता है, जीरो भी नहीं हो सकता, टू और मोर भी नहीं हो सकता, ठीक है? नाउ आई विल मेक सम मैपिंग्स, यू विल टेल मी whether it is a function or not, ठीक है? We'll do 2-3 examples only, गलती जहाँ जहाँ होता है वो सब में. Is this a function? हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कंडीशन वन विच वॉज यूनिक एंड कंडीशन टू विच वॉज हर एलिमेंट का इमेज होना चाहिए. किस रीजन से नहीं? Is condition वन not satisfied or is condition टू not satisfied? कंडीशन वन इज हम लिख देते हैं यहाँ पे, कंडीशन वन इज नॉट सैटिस्फाइड. कौन से वाले नंबर पे? मैम फॉर द फर्स्ट. हाँ कौन से वाले पे? मैम फॉर द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेट, फर्स्ट सेट. हाँ क्योंकि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इसका टू इमेजेस है, तो इट इज नॉट अ यूनिक रिलेशन, राइट? लेकिन क्या एवरी एलिमेंट का एक एक इमेज है? हम लोग एवरी एलिमेंट इसमें देखते हैं, हर एलिमेंट का एक इमेज है, तो सिंस हम लोग का फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा है, दिस इज नॉट अ फंक्शन. ओके अब एक और देखो. बोलो
Is this a function or not? Yes, ma'am, it's a function. अबे तुमको भी ऐसा ही लगता है? अच्छा Yes, ma'am. क्यों, ये वाला तो खाली है, इसके तो ना ही आरो कोई घुस रहे ना ही कोई आरो निकल रहा है। Ma'am, but all elements of set A have a unique image. ठीक है वो मान लिया, लेकिन यहाँ पे देखो ये वाले से तो टू एरोज आ रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे तो ये तो यूनिक नहीं हुआ, इसके पास तो टू प्री इमेजेस हैं, बट हम लोग तो बोले सिर्फ एक हो सकता है। मैम वो एक पर्टिकुलर इनपुट लाइक जो अगर लेफ्ट हैंड साइड को अगर हम लोग इनपुट मानते तो उसके लिए तो हम लोग क्या बोले थे कि यहाँ पे एक एलिमेंट के पास देयर कैन बी थ्री फोर इनफाइनाइट, हो सकते हैं कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ऑफ द फर्स्ट सेट दे आर रिलेटेड ओनली टू वन सिंगल एलिमेंट, दैट इज पॉसिबल राइट, लेकिन यहाँ से फ्रॉम वन एलिमेंट वी कांट हैव टू एरोज है ना, तो इसीलिए कंडीशन वन और कंडीशन टू बोथ आर सैटिस्फाइड, इट इज अ फंक्शन। ठीक है अब एक और लास्ट वन, बहुत इजी है ये, बोलो। इज दिस अ फंक्शन और नॉट? Ma'am, it's not a function. भाव्या बोलो तुम्हारा भाई कौन है? अच्छा फर्स्ट वाला करते हैं, फर्स्ट वाला क्या था? यूनिक, विच मीन्स मैम बिकॉज़ दिस एवरी एलिमेंट ऑफ ए, हाँ सेकंड वाला नहीं करते है, ठीक है एवरी एलिमेंट should have an image ये वाला तो नहीं कर रहा, ठीक है क्योंकि ये वाले के पास कोई इमेज नहीं है, लेकिन मेरा क्वेश्चन है क्या फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है? नो मैम भाव्या तुमको लगता है फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है?
नो मैम, क्यों नहीं हो रहा? कोई भी एक जन बोलो क्यों नहीं हो रहा? नो मैम, हाँ बट वाई, कौन से एलिमेंट के कारण नहीं हो रहा है? बिकॉज़ राइट, तो इसीलिए बिकॉज ऑफ दिस वन दिस इज नॉट अ फंक्शन. अब ये सब तो सिर्फ कॉन्सेप्ट्स के लिए था. नाउ कम्स द रियल डील. फंक्शन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? रिलेशन को तो हम लोग ऐसे ऐसे करके कर देते थे, या फिर हाँ जो भी ऐसे करके वी यूज टू रिप्रेजेंट रिलेशंस. फंक्शन क्या होते हैं? फंक्शंस को सबसे पहले वी रिप्रेजेंट यूजिंग स्मॉल एफ. ठीक है, स्मॉल एफ. इसकी तरह हम लोग को सेट भी लिखना आएगा कि कौन से सेट से कौन से सेट पे मैप होगा. एंड वी ऑल्सो हैव टू स्पेसिफाई द रिलेशन. सो इन एसेंस द ओनली डिफरेंस इज दिस, क्योंकि एंड ऑफ द डे फंक्शन भी तो एक रिलेशन ही है ना. बट अगर वो रिलेशन ऊपर का दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर देता है, देन इट बिकम्स अ फंक्शन. तो आर से एफ बनने के लिए उसको ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करना होगा. ओके, सो द ओनली डिफरेंस इन वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज दिस. तो फॉर सिंप्लिसिटी हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, वी रिप्रेजेंट अ फंक्शन यूजिंग एफ एक्स और जी एक्स. कोई भी लेटर आप यूज कर सकते हो, बिकॉज हो सकता है कि इन एक्स आप टू थ्री टाइप्स का फंक्शन कर रहे हो. सपोज एक आप बोल रहे हो एक्स स्क्वेयर, एक बोल रहे हो एक्स क्यूब, देन यू हैव वन विच इज एक्स स्क्वेयर प्लस थ्री. तो इसके लिए यू हैव टू यूज अनदर लेटर, बिकॉज एफ एक्स को ऑलरेडी हम लोग ये वैल्यू दे के रखे हैं, जी एक्स को वी ऑलरेडी गिवन दिस वैल्यू. तो फॉर दिस वी नीड अनदर थर्ड वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग इट, क्योंकि अगर हम लोग इसको भी एफ एक्स लिख देते एंड देन आई वुड से व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ एफ, व्हाट आर द वैल्यूज एफ एक्स कैन टेक, तो यू वुड तो गेट कंफ्यूज कि ये वाला कि ये वाला. तो इसलिए वी हैव डिफरेंट वेज वी कैन यूज एनी लेटर इन रिप्रेजेंटिंग अ फंक्शन इन एक्स. दिस इज, इसको हम लोग वर्ड्स में कैसे बोलेंगे? फंक्शन इन एक्स, वेर एक्स इज द वेरिएबल. ठीक है, एंड एक्स इज यूजुअली द इनपुट वेरिएबल. यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे? ऑल दीज वर द इनपुट्स एंड दीज वर द आउटपुट्स. कि अगर हम लोग इसको देख रहे हैं तो हम लोग को ये मिल रहा है, राइट? तो फंक्शन इन एक्स में एक्स इज द इनपुट वेरिएबल. ओके, तो अब हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं कि लेट्स से एफ आर टू आर ठीक है, इसको कोई वर्ड्स में बोल सकते हैं? कोई भी दोनों में से, कि वर्ड्स में इसको हम लोग कैसे रीड करेंगे? कोई भी बोलो, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें. दिस इज समथिंग जो रेगुलरली मैथ्स में भी फेस.
मैम इट वुड बी लाइक अ फंक्शन डिफाइंड ओवर रियल इंटरवल सेट एंड विद एक्स एज इट्स इनपुट वेरिएबल डिफाइंड बाय फंक्शन इन x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 ठीक है. अब क्या होता है वहां पे हम लोग इमेजेस और प्री इमेजेस कर रहे थे. तो फंक्शंस में होता है कोडोमेन डोमेन एंड कोडोमेन ठीक है. अब डोमेन क्या होता है डोमेन इज नथिंग बट द इनपुट सेट. इनपुट सेट क्या हो गया एक्स क्या क्या वैल्यूज ले सकते हैं राइट. एंड कोडोमेन इज द सेट फ्रॉम विच आउटपुट आउटपुट सेट लेट मी गिव यू हिंट दिस हैज समथिंग टू डू विथ फंक्शन का टू कंडीशंस. ये हम लोग का डोमेन होगा ये तो फंक्शन है ही नहीं छोड़ो इसमें नहीं लिखेंगे. ये डोमेन है क्योंकि सारा इनपुट्स इससे आ रहा है एंड ये कोडोमेन है बिकॉज आउटपुट क्या है हम लोग का दिस दिस एंड दिस. मेक श्योर कि यू डू नॉट एवर राइट दिस एज एन आउटपुट क्योंकि कोई भी इनपुट ये आउटपुट नहीं दे पा रहे हम लोग को है ना. बहुत डर्टी हो गया आई जस्ट रीड्रॉ इट. बोलो कि इसको हम लोग कोडोमेन को ऐसे क्यों लिखे सेट टू विच आउटपुट बिलोंग्स बाय डिडंट वी जस्ट बिकॉज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन नीड नॉट बी द आउटपुट ऑफ दैट पर्टिकुलर फंक्शन. वेरी गुड क्योंकि आउटपुट बिलोंग जरूर इसको करेगा. आउटपुट कभी भी इस सेट से नहीं आ सकते या आउटपुट कभी भी कोई फिफ्थ वैल्यू से नहीं आ सकते जो इन चार में से एक नहीं है. आउटपुट हमेशा रहेगा इस सेट से बट इट इज नॉट नेसेसरी कि इस सेट का हर वैल्यू एक आउटपुट हो है ना. बट देन अगेन इनपुट के लिए हम लोग ऐसा क्यों बोले इनपुट के लिए व्हाई डिड वी सिंपली से इनपुट सेट. इनपुट के लिए भी वी कुड हैव सेड कि द सेट टू व्हिच इनपुट्स बिलोंग. हां बोलो भावना फंक्शन ही नहीं होगा ना अगर मतलब पूरा वो ही नहीं एक अगर वेरी गुड क्योंकि इस सेट का हर एक एलिमेंट शुड बी पार्ट ऑफ आवर डोमेन. इट हैज टू बी एन इनपुट फॉर इट टू बिकम अ फंक्शन. तो डोमेन इज द सेम डिटो थिंग एज इनपुट्स बट को डोमेन इज नॉट द सेम डिटो थिंग एज आउटपुट्स. तो ऑब्वियसली अब हम लोग को तो एंड ऑफ द डे सिर्फ आउटपुट से मतलब है. को डोमेन इज इम्पॉर्टेंट बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वाई वी आर यूजिंग अ फंक्शन इज टू गेट द आउटपुट. तो वो आउटपुट वाले सेट को हम लोग बोलते हैं रेंज. रेंज इज द आउटपुट सेट एंड range is a subset of codomain right make sense.
क्योंकि रेंज के नॉट लाई आउटसाइड द कोडोमेन, क्योंकि अगर ये फंक्शन है तो इन चार में से ही हम लोग का आउटपुट होना होगा. वी कैन नॉट हैव अ फिफ्थ आउटपुट, अदरवाइज द फंक्शन वोंट बी डिफाइंड. फंक्शन क्या, रिलेशन ओनली वोंट बी डिफाइंड. ठीक है, तो ये थ्री टर्म्स का मतलब समझ में आया? यस मैम. भावे तुमको समझ में आया तीनों टर्म्स का मतलब? यस मैम. तुम लोग को अभी एक और टॉपिक करना है कि यू वांट टू एंड हियर? डू यू वांट टू स्टार्ट विथ फाइंडिंग द डोमेन ऑफ अ फंक्शन? बोलो. खाली डोमेन कर लेते हैं, रेंज नेक्स्ट क्लास कर लेंगे. ठीक है, तो डोमेन क्या हुआ? एक्स वैल्यूज, तो अगर एफ एक्स है से 1/x एंड आई एम डिफाइनिंग इट फ्रॉम रियल नंबर्स टू रियल नंबर्स, तो आर ऑन आर का रिलेशन है, फंक्शन है, तो क्या ये करेक्ट है? एम आई राइट इन राइटिंग दिस? क्या एवरी रियल नंबर विल डिफाइन दिस फंक्शन? इफ सपोज रियल नंबर तो जीरो भी होता है, राइट? जीरो इज अ रियल नंबर. यस मैम, बट नॉट डिफाइंड. इट वोंट डिफाइन दिस फंक्शन, क्योंकि 1/0 इज अनडिफाइंड, राइट? एंड हम लोग यहाँ पे सिर्फ रियल थिंग्स के साथ डील कर रहे हैं, क्योंकि जो y वैल्यूज है वो सिर्फ रियल नंबर्स हो सकते हैं. एंड इवन इफ इट्स नॉट दैट, हमेशा हम लोग को देखना होगा दैट द फंक्शन शुड ऑलवेज बी डिफाइंड. एंड नो फंक्शन कैन बी डिफाइंड अगर वो इस फॉर्म में है एंड द डिनोमिनेटर इज जीरो. तो वाइल फाइंडिंग आउट द डोमेन, डोमेन क्या है? वॉट आर द वैल्यूज विच एक्स कैन टेक फॉर द फंक्शन टू बी डिफाइंड, राइट? तो x can never take the value 0 if it is in this form, है ना? तो ये हो गया rule number 1, denominator, या तो ऐसे लिखो इसको, x की जगह पे तो कुछ भी हो सकता है, say suppose 1/3x+4, suppose x is equal to -4/3. Is the function defined? No, ma'am. No. If x is equal to 0, is the function defined? Yes, ma'am. If x is equal to +4/3, is it defined? Yes, ma'am. तो सिर्फ इस वैल्यू के लिए इट इज नॉट डिफाइंड. और ये वैल्यू कैसे आया हम लोग के पास? 3x+4 कैन नॉट बी इक्वल टू 0, है ना? विच मीन्स सिंपल लीनियर इक्वेशन सॉल्विंग, ये 4 को इस तरफ ले जाएंगे, 3x इज नॉट इक्वल टू -4 और x इज नॉट इक्वल टू -4/3. तो जस्ट फॉर दिस वैल्यू दिस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि x कांट टेक दिस वैल्यू. तो फर्स्ट कंडीशन क्या हुआ? 1/expression के फॉर्म में अगर है हम लोग का फंक्शन, देन एक्सप्रेशन इज नॉट इक्वल टू 0. अब वो एक्सप्रेशन कुछ भी हो सकते हैं, इट कैन बी a square number, it can be a zero number, a square root, it can be a linear expression, जैसे 3x+4 था linear expression, कुछ भी होगा, but the entire thing cannot take the value of 0. As similarly, हम लोग को पता है ये चीज बहुत अच्छे से कि root के अंदर हमेशा एक positive number होना चाहिए, because जैसे ही root के अंदर negative आया, it becomes imaginary.
राइट अगर यस मैम. रूट के अंदर जीरो है तो इज इट इमेजिनरी. नो मैम. नहीं, क्यों? रूट जीरो का वैल्यू क्या होता है? वेरी जीरो. गुड. तो विच मीन्स कि इफ इट इज इन द फॉर्म ऑफ रूट ओवर एक्सप्रेशन देन एक्सप्रेशन हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. इट कैन बी इक्वल टू जीरो ऑल्सो बट इट कैन नेवर बी लेस देन जीरो. क्योंकि जैसे ही एक्सप्रेशन लेस देन जीरो होगा वो नेगेटिव हो जाएगा और इमेजिनरी हो जाएगा. ठीक है, ये दो रूल को एकदम कैपिटल लेटर्स में लिख के बॉक्स कर दो बिकॉज दिस यू कैन नॉट फॉरगेट इन दिस चैप्टर. आई वुड से पूरा का पूरा चैप्टर इज बेस्ड ऑन दीज टू रूल्स. दीज टू रूल्स यू कैन नेवर फॉरगेट. ठीक है, फॉर फाइंडिंग द डोमेन हम लोग को सिर्फ ये दोनों अपने दिमाग में रखना है. तो लेट्स ट्राई आउट अ सम. से फाइंड द डोमेन ऑफ एफ एक्स. हम लोग यहाँ पे बार बार मेंशन नहीं करेंगे. वील अज्यूम अंटिल एंड अनलेस स्पेसिफिकली मेंशनड आर ऑन आर. ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू लेट्स से 1 बाय. इसी करते हैं पहले एक बार. हाउ विल यू प्रोसीड विद दिस? Ma'am, we'll proceed with simplifying the inequality equation of 4x minus 5 greater than equals to 0. Very good. 4x minus 5 is greater than equal to 0. Bhavya, do you agree? Do you know hum log ye kyun likh rahe hain? Yes, ma'am. Because of the second rule. Ki agar root ke andar mein hai, तो रूट के अंदर जो भी वैल्यू आएगा इट शुड बी अ पॉजिटिव, इधर जीरो और अ पॉजिटिव नंबर. तो क्या आएगा इसका वैल्यू? एक्स क्या क्या वैल्यूज ले सकते हैं? एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5/4. प्रियांशु, तुम्हारा क्या आंसर आया? मैम सेम. So can we write domain is equal to ये brackets का मतलब याद है? Since यहाँ पे yes, equal to है इसलिए हम लोग box bracket दे रहे हैं. क्योंकि box bracket क्या है उसको पकड़ के रखते हैं, which means हम लोग 5/4 को भी ले पा रहे हैं क्योंकि x can be 5/4 and infinity is undefined. तो इन्फिनिटी को कोई पकड़ ही नहीं सकते. तो इन्फिनिटी के बाद या इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी के पहले हमेशा नॉर्मल ब्रैकेट ही रहेगा. ठीक है, ये चीज याद रखना कि इन्फिनिटी के बाद डोंट एवर गिव दिस ब्रैकेट क्योंकि इन्फिनिटी इज नॉट डिफाइंड. सो यू कैन ऑब्वियसली नॉट से कि इस वैल्यू को भी हम लोग इंक्लूड करेंगे. ठीक है, अब नेक्स्ट. तुम लोग को प्रेजेंटेशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट, खाली ये वाला ब्रैकेट का चीज. आई हैड टू रिमाइंड यू ऑल क्योंकि एमसीक्यूज में जब ऑप्शन आएगा एक होगा 5/4, और एक होगा 5/4, और कोई भी एक फोर्थ ऑप्शन जो भी हो सकता है. से -5/4 दे देंगे इन लोग.
समझ रहे हो? That's why brackets is important, but how you will present your solution is not at all important. Time इतना कम रहेगा, you can easily skip steps provided don't make silly mistakes. तो इसीलिए it is not important कि हम लोग workings पे अपना इतना ध्यान दे कि how are you doing your working या what steps are you following. ठीक है, next sum. बोलो इसका डोमेन निकालो. मैम यहाँ पे वो बस इक्वल्स टू साइन हट जाएगा. कैसे किया? रुक जाओ भाव्या, तुम बोलो तुम कैसे कर रही हो. Added expression is always greater than zero. Why not equal to? Root है यहाँ पे तो. Because according to the first rule. तो हम लोग यहाँ पे it will just change कि 4x minus 5 is greater than 0 और x is greater than 5 by 4. तो domain is equal to 5 by 4 comma infinity. इतना easy चीज है और यही आएगा. What is the domain of this function? That's all. अब हम लोग थोड़ा tough करेंगे, हल्का सा tough, not बहुत. Let's do. इसका डोमेन क्या होगा? फर्स्ट स्टेप बोलो खाली. फर्स्ट वी राइट दिस एक्सप्रेशन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो. ठीक है, इसको सॉल्व करना आता है तुम लोगों में से किसी को? या वी कैन take one function like x minus 2 is greater or equal to 0. So the value of x are 2, 5 and 0. और फिर मतलब तुम्हारे कहने का मतलब x can only take the values 2, 5 and 0. ये domain होगा? No, no. Only the value of x. The domain is zero. हाँ तो domain तो x का ही values होते हैं. No, the domain is zero till infinity in the zero in the close bracket and infinity in the open bracket. अच्छा तो मैं तो तुम बोल रही हो zero to infinity. This is what you mean? ठीक है, तो जीरो टू इनफिनिटी के बीच में तो टू लाए करते हैं, राइट? अच्छा टू भी नहीं, छोड़ो. लेट्स टेक थ्री. थ्री लाए करते हैं इसके बीच में. थ्री के लिए क्या होगा? व्हाट वैल्यू विल दिस फंक्शन टेक? रूट ओवर थ्री इंटू थ्री माइनस टू वन इंटू थ्री माइनस फाइव माइनस टू. ये तो रूट ओवर माइनस सिक्स हो गया. मैम विल इट बी ऑल वैल्यूज ग्रेटर देन इक्वल्स टू फाइव? अम
like for one not part. Necessarily for one part okay. All values greater than equal to 5 agar bole wo to ho gayi but there will be more values also for example say 1 agar hum log 1 le so this will become 1 into 1 minus 2 minus 1 1 minus 5 minus 4 ma'am it should be close bracket 5 till infinity नहीं क्लोज ब्रैकेट 5 टिल इनफिनिटी भी करेंगे तो अभी तो दिखाया 1 के लिए तो फंक्शन डिफाइंड है तो 5 टू इनफिनिटी में 1 तो आता नहीं है बट x 1 हो सकता है ना यहाँ पे 1 डाल के देखा ना जब भी ऐसे हो inequality मैम फिर वो वाला हो जाएगा वो union मतलब it's union but वो union हो जाएगा वो तो ठीक है but how will you find out किसका union होगा हम लोग करेंगे number line method very 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 important method बहुत सारे topics में काम आता है सबसे पहला step is find critical point or turning point kya hota hai critical point or turning points all values of x where the function becomes zero x zero kab hoga sorry ye function zero kab hoga jab this thing is equal to zero hai na to ye kab ho sakta hai agar x zero hua to ye term zero ho jayega naturally full thing becomes zero तो यहाँ पे लिखते हैं अगर 2 हुआ इफ x इज 2 तो दिस टर्म बिकम 0 तो नेचुरली फुल थिंग बिकम 0 थर्ड टर्निंग पॉइंट क्या होगा 5 वेरी गुड क्रिटिकल पॉइंट्स या टर्निंग पॉइंट्स मिल गया हम लोग को नाउ नेक्स्ट स्टेप इज plot on number line ठीक है हो गया plot number line पे ये हम लोग का तीनों critical points है ये lower limit है upper limit है ना अब देखो क्या चाहिए हम लोग को हम ऑल दीज आर एक्स वैल्यूज का नंबर लाइन है तो कौन सा वैल्यू ऑफ एक्स के लिए विल दिस थिंग बिकम ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो दिस थिंग है ना हम लोग को तो वही वैल्यूज ऑफ एक्स चाहिए इस इनइक्वालिटी का मतलब क्या है All those values of x that makes this greater than equal to zero. तो अब हम लोग क्या करेंगे We know our critical points. तो इस 1, 2, 3, 4 ranges है हर रेंज से पिक अप वन वैल्यू माइनस इंफिनिटी से जीरो कोई भी एक वैल्यू दो मेरे को एनी वैल्यू फ्रैक्शन डेसिमल होल इंटीजर माइनस वन यहाँ पे वापस आई जस्ट राइट द फंक्शन एक बार 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 ऊपर स्क्रोल नहीं करना पड़ेगा माइनस वन क्या होगा फंक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस वन पे राइट एक बार कैलकुलेशन चेक करो
मैम ये नहीं आएगा ना, क्योंकि पूरा फंक्शन तो नेगेटिव है। हाँ नहीं आएगा, बट ये कैलकुलेशन राइट है। -18 आ रहा है हम लोग का, जब हम लोग इस रेंज से वैल्यू ले रहे हैं तो हम लोग का नेगेटिव आ रहा है। यस मैम। यस ठीक है, अब एक बार 0 से 2 के बीच का एक नंबर लो। ऑलरेडी हम लोग ले लिए, वापस टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। 1 लिए थे और हम लोग का 2 आया था, है ना? है ना, 2 आया था। या फिर इसको यू कैन इवन रिप्रेजेंट इट एज पहले जैसे किया था। जो हम लोग का एक्सप्रेशन है मतलब पॉजिटिव आ रहा है इस रेंज पे। अब तुम लोग 2 और 5 के बीच में हम नंबर दे रहे 3, वो भी हम लोग निकाल चुके हैं, सॉरी 3। 3 के लिए क्या आया था, नेगेटिव आया था। -6 आया था एक्सप्रेशन का वैल्यू, विच इज लेस देन 0। यस मैम। यस मैम। तो इसका मतलब इस रेंज पे नेगेटिव है। अब 5 से इंफिनिटी के बीच में आई एम गिविंग यू एक्स इज इक्वल टू 7, क्या आएगा एक्सप्रेशन का वैल्यू, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा। क्या होगा वैल्यू, क्या होगा? यस मैम। मतलब पॉजिटिव है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यस मैम। तो हम लोग को कौन सा चाहिए, दिस रेंज सूट्स अस एंड दिस रेंज सूट्स अस। ये दोनों रेंज नेगेटिव है तो इट वोंट सूट अस, राइट? यस मैम। तो हम लोग का आंसर क्या होगा? 0 to 2 both in box brackets union box bracket 5 and infinity non round bracket। भावे तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए? यस मैम, दिस इज राइट। दिस इज राइट, ब्रैकेट्स आर आल्सो राइट। या ठीक है, सपोज अगर ये सेम चीज नीचे डिनोमिनेटर में होता, तो अगर जैसे फर्स्ट एग्जांपल में रूट ओवर 4x-5 था और ये 1/√4x-5 है, इसको भी अगर हम लोग ऐसे चेंज करें, तो बस एक बार अपना ब्रेन्स लगा के जल्दी से बोलो डोमेन क्या हो जाएगा। मैम ब्रैकेट्स ये हो जाएंगे बस, सारे की कोई भी एक दो तो मैम सारे हो जाएंगे ना, क्योंकि 0 2 एंड 5 क्रिटिकल है तो 0 हो नहीं सकता डिनोमिनेटर, क्योंकि ये तीनों वैल्यूज पे आवर एक्सप्रेशन विल बिकम 0, जो हम लोग नहीं ले सकते हैं। तो इसीलिए वो होने से इट विल बिकम ऐसे, गॉट इट? ये नंबर लाइन मेथड का स्टेप्स को कंप्लीट करो, प्लॉट ऑन द नंबर लाइन, टेक सैंपल वैल्यू, फ्रॉम each range,
ठीक है, दिस इज द नंबर लाइन मेथड, वेरी हेल्पफुल. ये हम लोग आज का लास्ट सम था. नेक्स्ट क्लास हम लोग एक दो सम्स और करेंगे. एंड आई विल सेंड यू द असाइनमेंट शीट फॉर डोमेन एंड रिलेशन फंक्शंस बाय टुनाइट और टुमारो फर्स्ट हाफ फॉर श्योर. उसमें से कुछ कुछ सम्स आई विल मार्क एंड आप लोग को वो घर पे एक बार ट्राई करना है, बिकॉज एक दो और टाइप का डोमेन सम्स है जो मेरे को खुद कराना है, वो वी विल डू नेक्स्ट क्लास. लेकिन कुछ सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस जस्ट फॉर प्रैक्टिस पर्पस आई विल गिव यू, तो वो आप लोग घर पे कर लेना एक बार. ठीक है, कोई भी डाउट आज हम लोग जो भी किए हैं क्विकली एक बार बस समराइज कर लेते हैं 5 मिनट्स में. बोलो, कुछ बोल रहे कोई? बोल रहा है कोई कुछ? ठीक है, तो हम लोग पहले किए कि रिलेशन क्या होता है एंड हाउ डू वी एक्सप्रेस द रिलेशन. इसमें हम लोग लास्ट क्लास जितना भी सिंबल्स यूज किए थे, जितना भी सेट्स देखे थे, वो सब यूज किए. कार्टेशियन प्रोडक्ट इज ए इनटू बी, वेयर ए इज द फर्स्ट सेट, बी इज द सेकंड सेट, एंड दोनों का एलिमेंट्स ले लेके वी हैव टू मेक ऑर्डर्ड पेयर्स. एंड ऑर्डर्ड पेयर्स में ऑलवेज मेक श्योर कि जो फर्स्ट नंबर है हर पेयर का, इट बिलोंग्स टू द फर्स्ट सेट, एंड जो सेकंड नंबर है इट बिलोंग्स टू द सेकंड सेट. नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इज पी इनटू क्यू, वेयर पी इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द फर्स्ट सेट एंड क्यू इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेकंड सेट. बी इनटू ए इज नथिंग बट उल्टा हो जाना ए इनटू बी का. दोनों में 15 पेयर्स ही होंगे, लेकिन इसमें 6 सेकंड डिजिट था, यहाँ पे 6 फर्स्ट डिजिट होगा. उसके बाद में और क्या किया हम लोग? रिलेशन. रिलेशन का सॉल्यूशन सेट इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट, क्योंकि इट डिपेंड्स हम लोग क्या चीज से दोनों सेट्स को लिंक कर रहे हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि एवरी ऑर्डर्ड पेयर विल सैटिस्फाई दैट कंडीशन या सैटिस्फाई दैट लिंकेज. तो इसलिए दो पेयर्स जो वो लिंक को सैटिस्फाई करे, जैसे यहाँ पे सिर्फ 1128 एंड 327 सैटिस्फाई कर रहा था बी इज इक्वल टू ए क्यू, इसीलिए हम लोग का सोल्यूशन सेट में सिर्फ ये 3 पेयर्स था. ओके, फिर उसके बाद इमेज और प्री इमेज किए. प्री इमेज इज फर्स्ट सेट का वैल्यूज एंड इमेज इज सेकेंड सेट का वैल्यूज. फंक्शन होने के लिए द रिलेशन शुड सैटिस्फाई टू एडिशनल कंडीशंस, दैट इज कि यूनिक रिलेशन होना चाहिए, विच मीन्स ओनली वन सिंगल इमेज फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट सेट. एंड द सेकेंड वन इज कि कोई भी फर्स्ट सेट का एलिमेंट सूना नहीं रहना चाहिए, विच मीन्स हर एलिमेंट के पास मिनिमम, क्या मतलब, हर एलिमेंट के पास एक इमेज होना जरूरी है. ठीक है, उसके बाद में वी डिड कि फंक्शन को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, फंक्शंस का डोमेन एंड को डोमेन एंड रेंज. डोमेन इज द इनपुट सेट, को डोमेन इज द सेट टू विच द आउटपुट बिलोंग्स, बट इट इज नॉट द आउटपुट सेट. आउटपुट सेट इज कॉल्ड द रेंज, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सेकेंड सेट का हर एलिमेंट में हम लोग का एक प्री इमेज हो. तो इसीलिए इट इज नॉट नेसेसरी दैट एवरी एलिमेंट ऑफ द को डोमेन विल हैव अ प्री इमेज, बट एवरी एलिमेंट ऑफ द रेंज मस्ट हैव अ प्री इमेज, क्योंकि वो सिर्फ आउटपुट सेट है एंड रेंज इज अ सबसेट ऑफ को डोमेन. डोमेन निकालने के लिए वी हैव टू मेक श्योर कि जो हम लोग का फंक्शन है इट इज ऑलवेज डिफाइंड. एंड टू मेक समथिंग डिफाइंड देर आर टू मेन रूल्स विच वी ऑलवेज यूज. वन इज अगर डिनोमिनेटर में कोई नंबर है या कोई एक्सप्रेशन है तो वो एक्सप्रेशन जीरो नहीं हो सकता है, एंड अगर रूट के अंदर कोई एक्सप्रेशन है तो वो नेगेटिव नहीं हो सकता है, वो जीरो हो सकता है या वो जीरो से बड़ा हो सकता है. लेकिन डिनोमिनेटर वाला जीरो से छोटा हो सकता है, जीरो से बड़ा हो सकता है, बट जीरो नहीं हो सकता है कभी भी, राइट? और फिर ये नंबर लाइन मेथड अभी हम लोग किए, जिसमें हम लोग को ये 4 स्टेप्स फॉलो करके इजिली वी कैन से कि कौन सा रेंज में जो हम लोग का एक्सप्रेशन है वो पॉजिटिव होगा कि वो नेगेटिव होगा. कोई भी डाउट है इनमें से कोई भी चीज में? एनीथिंग विच यू वॉन्ट मी टू रिपीट
Yeah, any question that is coming to mind? नो मैम, भावे आपको नो मैम, सब क्लियर है एकदम? कुछ भी छोटा से छोटा भी चीज हो, यू कैन आस्क मी। नहीं है तो फिर आज का क्लास हम लोग यहीं एंड करें। थैंक यू बोथ ऑफ यू, थैंक यू मैम। सी यू इन नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।